हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में सब अच्छे हैं। सो गाइस, हम सब की स्किन कैसी भी हो, कोई भी वेदर हो, हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो हमेशा रहे, चाहते हैं ना। तो जो ग्लो होता है वो सिर्फ हम सोचते हैं कि हम पार्लर चले जाएं, फेशियल करा लें, सब कुछ अच्छे अच्छे महंगे महंगे पार्लर फेशियल्स करा लें तो हमारी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। ग्लो आता है और कुछ टाइम के लिए आता है और फिर चला जाता है। सो गाइस, जो ग्लो है वो आपकी इनर बॉडी से आता है। अगर आपकी स्किन हेल्थ, अगर आपकी इनर हेल्थ अच्छी है तो आपके फेस पे भी दिखाई देता है। तो मैं कुछ ऐसे आज हेल्दी ड्रिंक्स लेकर आई हूँ, होम मेड ड्रिंक्स लेकर आई हूँ, जिस रेगुलर लेने से आपकी स्किन पे एक अच्छा हेल्दी ग्लो आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम सब अपने डेली लाइफ में रेगुलर यूज़ करते हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो हम रोज़ खाते हैं। बट क्या होता है कि हमें रॉ वेजिटेबल्स खाने में दिक्कत हो जाती है, हम है ना। तो ये जो ड्रिंक्स हैं, ये कुछ फ्रूट ड्रिंक्स हैं और कुछ वेजिटेबल ड्रिंक्स हैं जिसके लेने से आपकी स्किन में एक अच्छा सा ग्लो डेफिनेटली आएगा। सिर्फ ग्लो ही नहीं आएगा, आपके हेयर भी अच्छे होंगे और आपकी आईज भी अच्छी होंगी, आपके नेल्स भी अच्छे होंगे। सो गाइस, जो ड्रिंक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही इजीली अवेलेबल ड्रिंक्स हैं। हम इसको रेगुलर हम वैसे भी इसको रॉ फॉर्म में हम उन फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को खाते भी हैं। तो चीज़ों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस लेकर आई हूँ जिससे आपका स्टमक की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और अगर स्टमक की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके स्किन पे भी दिखाई देगी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो में मैं आपको तीन जूस बताऊंगी, तो उन जूस की पूरी इंग्रेडिएंट्स के साथ इनको तो उन जूस को कैसे बनाते हैं मैं आज आपको उन जूस को बनाना बताऊंगी, इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी और इनके हेल्थ बेनिफिट्स डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, जो पहला मेरा जूस है वो है स्पिनच कुकुम्बर जूस। इसके अंदर जो मैं चीज़ें डालूंगी वो है थोड़ा सा स्पिनच, आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी ले सकते हैं, एक टोमेटो, एक कुकुम्बर एंड वन एप्पल, और एक एक इंच एक आधा इंच का जिंजर का टुकड़ा। तो गाइस, इस जूस के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो स्पिनच होता है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, और मैंने इस वक्त स्पिनच जो है वो अच्छे से पानी में, रनिंग वाटर में धो लिया था ताकि इसकी सारी मिट्टी और जो कुछ भी है वो सब निकल जाए। एंड अब मैं जो कुकुम्बर है उसके थोड़ा सा इसका पॉइजन मैं निकाल लूँगी ताकि जूस में कड़वाहट ना आ जाए। तो अब मैं जो कुकुम्बर है वो अच्छे से वॉश कर लूँगी इसका पॉइजन निकालने के बाद, एंड इसको पील कर लूँगी। आप इसको पील भी कर सकते हैं और नहीं भी पील कर सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शनल है। मैं इसको पील नहीं कर रही हूँ, इसके मैं मीडियम साइज़ के पीसेस कर दूँगी ताकि जूसर में डालने में आसानी हो, क्योंकि इसका जो हरा रंग है, आप जितना कोशिश हो सके रेड, येलो और ग्रीन जितना खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी को बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपके कुकुम्बर की जो स्किन है वो साफ़ सुथरी है तो आप उसको खा सकते हैं आराम से, जूस में भी डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं अपने एप्पल के भी पीसेस कर लूँगी उस साइज़ के जो मैं जूसर में आराम से डाल सकूँ। आप एप्पल की भी स्किन निकाल सकते हैं बट मैं आपको उसको स्किन के साथ ही खाना प्रेफर करूँगी क्योंकि इसके स्किन के अंदर भी बहुत सारे विटामिंस और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो गाइस, ये मेरी प्लेट अब बिल्कुल रेडी है जूस बनाने के लिए। गाइस, इस जूस में कितने बेनिफिट्स होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जो स्पिनच होता है उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन के, आयरन होता है, एप्पल में आयरन होता है, टोमेटो में लाइकोपीन होता है, एंड जो कुकुम्बर है वो हाइड्रेशन में हेल्प करता है। तो जो ओवरऑल है ये आपके ब्लड प्रेशर को भी लो करेगा, विजन में हेल्प करेगा, आपके हेयर और स्किन को इम्प्रूव करेगा,
एंड जो स्पिनच है वो तो आयरन का भंडार होता ही है। एंड सो गाइस, विंटर में तो स्पिनच आता ही आता है। आप जितना चाहें पालक खरीदें, पालक की सब्जी बनाएं, पालक का जूस बनाएं, स्मूदी बनाएं, जैसे भी हो सके आप इसको अपने बॉडी के अंदर इंटेक लें और ज़रूर लें। नहीं तो आप इसको सिर्फ बॉईल करके भी खा सकते हैं और नमक डाल के भी खा सकते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता ही है। तो अब मैं इसका जूस बनाना मैंने शुरू कर दिया है गाइस। मैं एक एक करके इसमें सारी चीज़ें डाल रही हूँ। तो गाइस, अब मैं इसके अंदर विटामिन सी भी डालूंगी और वो है मैं हाफ लेमन इसके अंदर स्क्वीज करूंगी, क्योंकि क्या है ना, जो आयरन की अब्सॉर्प्शन है वो विटामिन सी अगर हम लेते हैं आयरन के साथ तो वो आयरन की अब्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी में आयरन के अब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करने में। और इसके अंदर मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल रही हूँ। आप कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं, वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, और आप इसके अंदर रॉक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। मैं ब्लैक सॉल्ट प्रेफर करती हूँ और रॉक सॉल्ट भी काफ़ी हेल्दी होता है। थोड़ा सा आप इसके अंदर ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं टेस्ट इन्हांस करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी जूस बन जाता है ये। आप एक बार इस जूस को ज़रूर ट्राई करके देखना गाइस। तो अब मैं इस जूस को एक ग्लास के अंदर मिला के थोड़ा मिक्स कर लूँगी ताकि मेरा लेमन और मेरे जो भी स्पाइसेस हैं वो अच्छे से जूस के अंदर ब्लेंड मिक्स हो जाए। एंड एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का जूस बन के एकदम रेडी हो गया है गाइस। सो गाइस, जो नेक्स्ट जूस में है वो थोड़ा सा स्पिनच, एप्पल, आंवला, बीटरूट और थोड़ा सा जिंजर डलेगा और कैरेट डलेगी। जी हाँ, ये है एप्पल कैरेट, एप्पल कैरेट और बीटरूट जूस, एबीसी जूस। यस गाइस, यू आर करेक्ट। ये इसमें आप ए में आप एप्पल डाल सकते हैं, इसको आंवला भी बोल सकते हैं, आंवला कैरेट बीटरूट जूस। सो गाइस, ये जो आंवला कैरेट बीटरूट जूस है इसके तो एनॉर्मस बेनिफिट्स हैं। आप इसके अंदर थोड़ा सा स्पिनच भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, तो ये प्रॉपर वेजिटेबल जूस बन जाता है जो कि आपकी आईज के लिए, आपके हेयर के लिए और आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट जूस माना जाता है ये। एंड जो कैरेट्स होती हैं उसके अंदर विटामिन ए होता है जिसकी कंजम्पशन से आपकी स्किन यंग रहती है। एंड आंवला से आपके बाल और आपकी आँखें, आपकी स्किन को विटामिन सी मिलेगा, हेयर लॉस नहीं होगा, जो प्री मेच्योर ग्रेइंग होती है बालों की वो होनी बंद हो जाएगी। एंड जो एप्पल है वो तो एप्पल एवरीडे कीप्स द डॉक्टर अवे। जो एप्पल है उसके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आयरन होते हैं, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो कंप्लीट वेजिटेबल जूस बन जाएगा गाइस। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेगुलर ट्राई कीजिएगा इसके प्रॉपर बेनिफिट्स देखने के लिए। तो गाइस, देखते ही देखते मेरा पूरा जूस बिल्कुल बन के रेडी है। ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। सो गाइस, इसके अंदर भी हम विटामिन सी डालेंगे जो कि है हाफ लेमन स्क्वीज करेंगे, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन सी से भी बढ़ती है एंड इसका टेस्ट भी इन्हांस होगा।
एंड इसमें हम ब्लैक सॉल्ट भी डालेंगे, आप चाहे तो रॉक सॉल्ट या वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। तो गाइस ये है फ्लैक्स सीड्स, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। इनको मैंने पहले एक पैन में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और फिर मिक्सर ग्राइंडर में इसको अच्छे से मैंने पीस लिया था, तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गया है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और अब इसको मैं अपनी किसी भी जूस और स्मूदी में डाल सकती हूँ। एंड इसके अंदर मैं एक फ्लैक्स सीड्स का पाउडर डाल रही हूँ, ये मैंने घर पे ही बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपको एक अगली नई वीडियो में बना के दिखाऊंगी। और अभी मैंने आपको पहले भी इसको दिखाया है कि फ्लैक्स सीड्स को मैंने, फ्लैक्स सीड्स कुछ ऐसे दिखते हैं और इसका पाउडर बनाने के बाद मिक्सी में ब्लेंड करने के बाद ऐसे दिखते हैं। और अब मैं थोड़ा सा ऑलमोस्ट वन या हाफ स्पून फ्लैक्स सीड पाउडर मैं मेरे जूस के अंदर डाल दूँगी, जिससे कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो गाइस, जो फ्लैक्स सीड्स को हिंदी में बोलते हैं वो है अलसी के बीज। एंड इसका जो खाने का तरीका है वो यही है कि आप इसको थोड़ा सा पहले रोस्ट करें एंड उसका पाउडर बना के ही किसी चीज़ में लें, तभी आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। एंड जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ना, उनका मेन बेनिफिट है कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस्ड में रखेगा। एंड फीमेल्स के लिए भी अच्छा होता है, उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव्ड रहती है एंड उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स तो खाने ही चाहिए। एंड इसको खाने का तरीका मैं आपको एक अगली वीडियो में सही से बताऊंगी कि इसको फ्लैक्स सीड्स को सही तरीके से खाने का तरीका क्या होता है। एंड गाइस देखिए, बातों बातों में मेरा जो आंवला कैरेट बीटरूट जूस है वो भी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है एंड इसका एक ब्यूटिफुल सा रेड कलर आया है। ओके गाइस, तो अब मेरा जो नेक्स्ट जूस है, नहीं ये जूस नहीं है, एक स्मूदी है। तो इस स्मूदी के अंदर एक कप अनार लगेगा। मैंने अनार के थोड़े से दाने ले लिए हैं एक कटोरी में, और एक इंच या आधा इंच जिंजर आप ले लीजिए, इसको आप छील लीजिएगा। एंड एक कटोरी आप पपाया ले सकते हैं, पपाया आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। एंड एक इसके अंदर ऑरेंज लेना है, ऑरेंज का पील कर लीजिएगा। अगर ऑरेंज नहीं है तो आप माल्टा, किन्नू कुछ भी ले सकते हैं। तो गाइस इसकी आप स्मूदी ही बना के खाएं, इसका आप जूस नहीं बनाएं, क्योंकि जो पपाया का बल्ब है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं निकलता। पपाया में कुछ ऐसे, रॉ पपाया में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी स्टमक को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं एंड स्किन में ग्लो आता है। और जो अनार होता है वो आपके खून को भी साफ़ करता है, खून हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। और जो मैं किन्नू ले रही हूँ या ऑरेंज ले रही हूँ, आपके विटामिन सी लेवल्स को पूरा करेगा। इसके अंदर हम लेमन बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें ये ऑरेंज लिया है। एंड मैंने जार ले लिया है, इसके अंदर मैं एक एक करके अब चीज़ें डालूंगी सारी, क्योंकि मुझे स्मूदी बनानी है, इसलिए मैंने इसमें एक जार, ब्लेंडिंग जार लिया है। सो गाइस, आप इसको बीच बीच में रुक रुक के एक बार चेक करते रहें कि अच्छे से ब्लेंड हुआ है या नहीं। नहीं हुआ है तो आप मशीन को एक बार फिर से चलाएं और अच्छे से इसकी स्मूदी बना लें, बिल्कुल प्योर स्मूदी बना लें कि इसके पीसेस अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। Thank you.
सो गाइस मेरी पपाया स्मूदी बनके बिल्कुल रेडी है और मैंने इसको जार से अब ग्लास में पॉर मैं इसको कर लूँगी। ये जो पोमेग्रेनेट पपाया स्मूदी है इसको आप अपने घर पे बना के ज़रूर पिए, इसके नॉर्मस हेल्थ बेनिफिट्स हैं गाइस। एंड देखिए बनके बिल्कुल रेडी है अब। सो गाइस अभी मैंने आपको अपनी वीडियो में तीनों जूस की रेसिपी बताई, वीडियो में मैंने आपको जूस को बनाने का तरीका भी बताया, तो अब हम इन जूस को ट्राई करेंगे, देखेंगे ये इन जूस के टेस्ट कैसे हैं और कैसे इनको पीना है। आप इन तीनों में से कोई भी एक जूस रेगुलर बेसिस पे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं कि आप वन वीक एक जूस लें और सेकेंड वीक आप इस दूसरे जूस को ले सकते हैं और थर्ड वीक आप इस जूस को ले सकते हैं। तो आप वीकली अपने ड्रिंक्स को अरेंज कर सकती हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपके पास कौन सी चीज़ इजीली अवेलेबल है और आपको उसके लिए ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो गाइस ये जो ड्रिंक है इसमें मैंने फ्लैक्स सीड्स भी डाले थे, आप इन तीनों में से किसी भी फ्लैक्स सीड्स चिया सीड्स कुछ भी डाल के आप इसको पी सकती हैं। ये जो जूस हैं अगर आप इन केस आपके पास मशीन नहीं है आप जूस नहीं बना सकते तो आप इन कॉम्बिनेशंस आप इन फ्रूट्स या इन वेजिटेबल्स की कॉम्बिनेशंस को डायरेक्टली अपने अपनी बॉडी में इंटेक लें तो आप इन वेजिटेबल जूस को या इन फ्रूट जूस के कॉम्बिनेशंस को डायरेक्टली ही ले लें। जूस नहीं बना सकते तो आप चिंता ना करें, आप इन चीज़ों की कॉम्बिनेशन को एक साथ लेने की कोशिश करें, आपको कुछ ही दिनों में अपनी स्किन में अपने बालों में फ़र्क नज़र आने लगेगा। एंड द थिंग इज़ कि आपको इसको थोड़ा रेगुलर इंटेक लेना ही पड़ेगा क्योंकि वन टाइम लेने से तो कुछ भी नहीं होता है, आप रेगुलर लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा एंड तभी आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स दिखाई देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।